भैया बाहर क्या कर रहे हो, अंदर जाओ, अंदर क्लास चल रही है ना तुम्हारी, क्लास चल रही है ना तुम्हारी। ये बस का नाटक करके बहुत लेट आ रहा है। किस पे बिलीव कर रहा है तू भैया, बस इतनी लेट आती है तो अभी तुम्हारी क्लास चल रही है। एक बार क्लास में जाके देख ले। क्यों, क्या हो गया? क्लास में कोई टीचर्स नहीं है? नहीं है, इसीलिए तो आ रहे टीचर्स। देखो बच्चों के जिंदगी के साथ लापरवाही हो रही है यहाँ पर, क्लास के अंदर टीचर्स नहीं है। आज हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम दोनों भाई, ये दो व्यक्ति। आज मेरा फर्स्ट डे, इसका कल से स्टार्ट होगा। नहीं भाई, आज ही इसने स्टार्ट किया है, आज मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहते हो दीपक परमार सर? बात नहीं लाना है, बहुत पढ़ रहे बेटा तुम। आप कुछ कहना चाहते हो सर? आप कुछ कहना चाहते हो? फोटो नहीं खींच सकते हमारी, ठीक है? ये कैमरा उधर वाला, सामने वाला चालू कैसे होता है? नहीं भाई, वो अभी इधर से ही होगा। आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं भाई, ठीक है ना, भर कर लिया ना कल फोन। ये लापता की तलाश, फोन तो दे, लापता की तलाश। जब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो हम कहाँ से थे आप बताइए, लापता की तलाश। पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, तो कॉलेज में आए और पढ़ाई करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। वीडियो कुछ कहना चाहते हो? नहीं, ओके। वीडियो बिल्कुल भी ना बनाए, और ब्लॉगिंग तो बनाना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है? हम का फेमस हो जाऊंगा, कुछ नहीं है। चल 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 फटाफट, मूड होगा तो बता दो। हम जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास, ऐसे नहीं बोलते मैं, बता। तो गाइस, अब हमारा लेक्चर हो गया, अब लेक्चर है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे। वो नहीं पता, मतलब पढ़ाई करें वो तो बोलने की बात है, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है? तो ये सब पेपर पढ़ रहे हैं यहाँ, डेली का डेली यहाँ पेपर आता है। ये देखो हमारे विनय भी, हाँ तो कुछ बोलना चाहोगे हमारे? कल का मैच का न्यूज़ कहाँ है? न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़, अरे भाई हाथ जोड़ के खड़े, कल न्यूजीलैंड हारे ना, मेरे को लगा हाथ जोड़ के खड़े। ध्यान दीजिए इस व्यक्ति पे, ध्यान इस गौर से देखिए इस व्यक्ति को, ये कहीं देखा देखा लगता है। ये की है, गौर से देखिए, ये वही इंसान है जो एक बार जीतने पर मैच काफी खुश हुआ था, जिस तरह से एक भिखारी को 10 रुपए मिल जाने पर खुश हुआ है, वैसे ये भी बहुत खुश हुआ था। जी 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 भाई, हम क्या अभी नहीं आए, पूछ के और में बता देना मुझे। मेरे देखे पिले चावल, मेरे आरती कर। ओ भाई, गौर से देखिए इस टीवी को, ये मंगवाएंगे अपन। एक भाई भाई भाई, यही चाहिए, यही चाहिए। चलते हैं, यहाँ पे जो पंखा चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है, ये जो चल रहा है, इससे हमें ठंडी लग रही है, इसलिए हम जा रहे हैं धूप में। धूप में क्या खाने आ रहे हम? धूप आ रहे हैं, धूप ले ले, धूप जादू धूप। आपको ये कहना चाहता था कि जैसे कि मैं यहाँ पे अभी क्लास में आया, कोई नहीं है, मैं सिर्फ हम दोनों हैं, और यहाँ देखो ये लाइट चालू, ये लाइट चालू। जीतू क्या करेगा तू इसको देख के? अरे मैंने सोचा था कि मेरे स्वागत में यह लाइन से पहले बेंच दिखाओ, यह लाइन से ये देखो होंगी, और मैं आऊँगा ये स्वागत तो करो हमारा, गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कोई भी नहीं था यहाँ, मेरा कट चुका है और मैं बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। पहली बात तो लाइट बंद कर जाके, कोई नहीं, अपन खुद भी जा रहे हैं एनालिसिस वाले, और इस छोटी छोटी चीज़ों का हम बिल्कुल विशेष करके ध्यान रखते हैं, और ये चीज़ों का आप कॉलेज में, कॉलेज में पंखा जहाँ भी देखो सब ऑफ करना है, खाली क्लास में। हाँ भाई, कौन सी क्लास? वापस स्टार्टिंग से, हाँ। हम दोनों भाई ने वापस चालू कर दी ब्लॉगिंग। ये हमारे कमलनाथ है, कमलनाथ सरकार अपना चेहरा बता निर्मा की पसंद वो सिंग पाउडर निर्मा निर्मा क्यों और
क्यों उठा विश्वास, जरा स्पष्ट करोगे? ये पटवारी हमारा पता नहीं क्या कर रहा है, ये आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे जितेंद्र दीपक तो काला दिख रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाओगे, ये लिफ्ट है ऊपर जाने का, अभी बाथरूम भी तो है। वैक्सीन लगी क्या भाई जी तुमको? कई बात कर रही हो, अरे यार कब काफी अच्छा टेस्ट है बेटे पे आ गए, और ये जितेंद्र पटेल का बैग लाए नहीं, कमलनाथ का भी बैग लाए नहीं, बेचारा जा रहा है कॉलेज में छोड़ के आ गए हैं, और यहाँ पर गुमटी में नाश्ता पानी करने के लिए आ गए, और मेरा बैग वहीं पटक के आ गए, जा रहा हूँ बैग लेने। जा रहा है देखो ये जीतू जा रहा है, दौड़ के जा और भाग क्या झुका जा आगे जाके। वो गया बैग लेना, उसका बैग उसका बैग हम ही लेके आ गए थे, पता नहीं क्या करेगा वो लेके। हम जा रहे हैं जितेंद्र का बैग मिला नहीं, वापिस जा रहे हैं हम जितेंद्र का बैग ढूंढने, उसका फ़ोन आ रहा है पर मैं उठा नहीं रहा हूँ, इसलिए वाइब्रेट हो रही होगी आवाज़, पता नहीं जो भी हो रही होगी, देखते हैं। हाँ कमलनाथ, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ हम बैग ढूंढने गए, हाँ और मिल गया तो कमीशन लेंगे, पार्टी बोले तो चार चाय को यहाँ ढूंढ रहा है ये इसको कहते हैं मक्कारी, ये है मक्कार इंसान। करे मिली नहीं तेरे को, बैग कहाँ है तुम्हारा? बैग का यहाँ रखा था हमने, चला वो तुमको पता होगा, चलना जहाँ रखे थे जहाँ जगह बताई थी बेटे, तुमने छुपा दिया कहीं, मुझे पता है। अरे भाई मेरा भी नहीं मिल रहा है तो कहाँ, मैं तेरे को पता है, मेरे पता है, मेरा बैग नहीं है मेरे ऊपर, मेरा शर्ट निकाल निकाल चला दुकान बिल तू पे करेगा, ₹100 दुकान का बिल तू पे करेगा दुकान, कौन सा बिल? ये देखो लैला मजनू जा रहे पता नहीं कहाँ, एक ये वाली कार के नीचे, कार के नीचे देख पूरा लेट जा, अरे लेट जा कॉलेज में, अरे बता यार ब्रेक कहाँ, ब्रेक कहाँ, फिर फंस आ जाएगी फिर अपन लेट हो जाएगा यार, समझाओ गाइस यार इनको यार, गाइस गाइस दोस्त गाइस गाइस मेरे मित्र सही सखा, आगे आगे देखो, आगे आगे कहीं होगा, आगे देख और तेरे अपने हॉल में भाई भाई तेरा बैग यहीं रखा था, नीचे खोद के देख दया, दया, दया ढूंढ। अरे यार। दया। ये इनका पता नहीं क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तोड़ू तेरी हड्डी। क्या चाहिए तेरे को? जा जिसको बुलाना बुला ले भाई, तू कहाँ रहता है, कहाँ रहता है तू? खतरनाक आदमी हूँ मैं, गैंगस्टर हूँ, गैंगस्टर इतनी बड़ी है ना, बंदूक लेके घूमता हूँ, आज भूल गया मैंने तो बंदूक लेके आता हूँ। क्या बात कर रहा है, इतना बड़ा लंबा आदमी दिख रहा है, इतनी बता कितना, और आधी रात को पता है ये दिखता ही नहीं, आज रात को दिखता ही नहीं, क्या बात कर रहा है, रात और ये मैच हो जाते हैं ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 200 वाट का बल्ब यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा। क्यों चोर था क्या? मेरा बिग डिटेक्टिव चोर, बल्ब चुराने की ओर डिटेक्टिव। लो भाई तुम्हारा बैग मिला था, चलो ना तुम्हें जा रहा भाई, भाई भाई क्या कहाँ पर है क्या बैग, वो क्या होता है, तुम हम दोनों के बैग बताओ, बस्ता है ना, बस्ता झोला बोले ऐसे, झोला कहे ऐसे, झोला क्या कहते हैं बेटा, झोला ले यार बता दे रहे, पर चला भाई गाड़ी की डिक्की चेक करें, चाबी है मेरे पास भाई, मैं तो जा रहा हूँ भाई लोग, मैं जब बता दूँ इनको, इनका बैग मिला नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है,
अब जा रहे हैं हम। हाँ भाई बेग का क्या हुआ तुम्हारे? बेग यार मिले या नहीं मिले? ओ भाई बस आ गई, अब ले यही हमारी बस, यही हमारी बस। अबे जल्दी चले यार, अबे जल्दी चले। ये बस रिटर्न आएगी यार, अभी कहाँ जा रहे हो? यही यही बस है जो रिटर्न आएगी अभी। चलते यार फटाफट यार, बस निकल जाएगी यार, जल्दी चल दौड़ भाग मिलकर भाग। ये तू क्रिस है, सस्ता क्रिस ये है गाइस, सस्ता क्रिस गाइस। और इस मैं और ये इसका है, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, मैं बता रही हूं क्योंकि मैं पिछले जन्म में घोड़ा था। हम जा रहे हैं घर, हम घर की ओर और ये कर रहे हैं। ये मेरा हाथ पकड़ के जा रहा है, ये देखो फटाफट। माय बस ऑन द वे, माय बस ऑन द वे। ये हमारा नट्टू काका फटाफट हम जा रहे हैं बस स्टॉप पे। हमारा ब्लॉगिंग कंप्लीट हो चुका है, हम कॉलेज कंप्लीट हो गया आज का। कैमरा से पैसा ज्यादा नहीं, सामने का फ्रंट दिखाया हमारे व्यूअर्स को, ठीक है। काफी स्पीड स्कूटी निकल चुकी है यहाँ से, हमको फटाफट वो उधर चौराहे पे जाना है, नहीं तो हमारी बस निकल जाएगी। वर्ल्ड कप प्लेयर यहाँ पे, वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, मैच का तैयारी कर रहे हैं बच्चे। दर्शक से करना चाहूँगा, कैमरा से उधर ग्राउंड में दिखाएं रिपोर्ट। वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, ये देखिए इधर कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। जल्दी में हम लोग को कि हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए, इसलिए हम ऑन द रोड आपसे आ रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए। सबसे मिलते हैंगे वहाँ पे, बस स्टॉप पे जाके। ओके बाय टाटा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई लव यू माय चैनल। और अब अपना जो अगले का वीडियो हम बस में कंटिन्यू करेंगे, आपको नई नई चीज बताएं, इसलिए आप बने रहें आखिर तक हमारे साथ। तो चलते हैं, लेट गेट स्टार्ट। चलो धीरे चल, धीरे हम भी आ रहे हैं। एक काम कर, तू ट्रेन रुकवाना, तू ट्रेन रुकवाना, हम आ रहे हैं। ये दोनों जा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं साथ में। अरे हम बस से घर, सॉरी गाइस, हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, हम बस से जा रहे हैं। हमारी गाड़ी चलती है, हम जा रहे हैं, ये हमारी गाड़ियां हैं। जाओ फटाफट गाड़ी पलटा के लाओ, ड्राइवर है, मैं कॉल करता हूँ। हाँ कमलनाथ सरकार हो तुम, कमलनाथ तुम्हारे भजी तो हो जाएंगे ना, तो फटाफट आओ, ड्राइवर को कॉल कर दे। हम पहुंच गए बस स्टॉप पे, बस का वेट कर रहे हैं। हमारी बस नहीं आ रही है, अब फिर से स्टार्ट कर, क्यों करे? हमारी वॉइस आ रही है, वॉइस क्लियर आ, बहुत ही हम बहुत ही मतलब इतना कॉल करो बस वाले को, कॉल करो, एक एक घंटा आते, दो दो घंटा आते। ओ भाई मारो मुझे, नहीं एक एक घंटा, दो दो घंटा कौन लेट होता है, कौन लेट होता है? दो दो घंटा लेट होते हैं वो, वहाँ पर घूमते ही बैठ के वहाँ नाश्ता पानी करते हैं, वहाँ बेचारे यात्री लोग बेचारे कि घंटे बस में खड़े रहते हैं, स्टॉप पे खड़े रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। हमारी बात आ गई, हम जाने वाले हैं। ये लो कमलनाथ, अब हम जा रहे हैं अभी, ये कमल है। चलो इसके हाथ पास दो दो क्यों सर, राजवाड़ा जाएगी ना, ये राजवाड़ा जाएगी, यार यार ये हमारा कमलनाथ सरकार है, अफगानिस्तान का, यहाँ पर अफगानिस्तान का, ये बिना टिकट, ये बिना टिकट तो अपनी आएगी ब्लू कलर की बस, और अपन बैठेंगे। बोल 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 बोल, सो गाइस हम एसी रूट क्लास में आ गए हम लास्ट में, ये हमारा एसी लगा हुआ ऊपर, ये देखो जाली जाली, यहाँ पे काफी पैसेंजर भरे जाए, हमें फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार है, हम लोग अपना फ्लाइट लगा रहे हैं, उड़ने के लिए तैयार है, उड़ने के लिए तैयार, उड़ने के लिए तैयार है। टेक ऑफ ले लिया, अब मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा, देखो फ्लाइट भर चुकी है, आगे तक देख सकते हैं आप, ये देखो देखो दिखा दो, दिखा सब कुछ ऐसा दृश्य दिखा देना, देखो अभी ये होने, अरे इसको कहीं देखा है मैंने, हाँ देखा होगा सौरभ, हमारे लोग भी देखा होगा। हमारा प्लेन रनवे के ऊपर टेक ऑफ कर रहा है, ये हमारा और एक है, बीच बीच में स्टेशन आ रहे हैं कहीं रनवे पे, तो यात्रीगण चढ़ रहे हैं, यात्रीगण ध्यान दे अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, तो आपको बहुत सारे धचके लगने वाले हैं। मैं आई हूँ अटेंशन प्लीज, गाड़ी नंबर 578, और हमारे जो एरोप्लेन के जो हमारे कंडक्टर वो आ चुके सामने हमने टिकट लेने के लिए। सो गाइस अब मैं आपको ऊपर की जो दृश्य है वो दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरे में तो बताना चाहता हूँ बाहर से, कि जब ऊपर से जाने तक आपकी नज़र जा रही है, ये सब बाहर देखो, बाहर कुछ नहीं दिखने वाला, सब लाइट इतनी तेज है कि क्या ही बताऊँ मैं। आगे सो गाइस हमें 2 घंटे फ्लाइट लेट थी, इसलिए मैं लेट हो गया हूँ, मैं आप सबको माफी चाहता हूँ, हमारा ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी लंबा भी हो जाएगा, तो इसको पूरा देखना, संयम बनाते रहें,
काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी ब्लॉग के अंदर। और मैं अपने जगह में से बताना चाहूँगा कि हमें बीच में कोई भी सा कवर जो हमारे पार्ट में मिस ना हो, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पास की इन्फॉर्मेशन मिस ना होनी चाहिए। अन्य अन्य डिस्टर्ब धोनी के लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, जो खड़खड़ की आवाज़ आ रही है तो बस के कारण आ रही है, यहाँ नहीं कर रही है। एरोप्लेन में रोड खराब हो, ऊपर का जो एरोप्लेन का रोड है, ये जो एरोप्लेन है ये काफ़ी जो एरोप्लेन का जो रास्ता है ये बहुत ही पुराना हो चुका है, इसलिए खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। और इसको सुधराने के लिए हमने आगे भेजा है इसके लिए, तो ऊपर से आएगा जब तो ये करवा देंगे। सही हमारा प्लान, ये हम लोग पता है लोग सब इंद्रदेव सूर्यदेव कमल राव कॉलेज वगैरह वगैरह सब जाते हैं। तो गाइस आप सबको सुननी पड़ रही हो, क्योंकि हमने पता है कौन से भाषा में लिखा है, हमको पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा सीधा दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो, ये देखो इसे तो गाइस इधर ध्यान ना दे इस चीज को, ये काफी इनोवेशन है। ये ऊपर ये देखो, यहाँ पे हम स्वर्ग में आ गए ना, यहाँ उल्टा सीधा दिखता है, देखो उल्टा समाज सीधा दिखता है, ये वहाँ की खासियत है बहुत बड़ी। तो आई होप आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं नए ब्लॉग के लिए। अब मैं हमारे कैमरे में से सामने आके सब सामने का कौन एक्साइटेड है ये सामने आके। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे चेकर पे आ रहे हैं, और आप बाहर देखो ये यहाँ से सीधा यहाँ पे से ये देखो ये शिव भगवान का एरिया चालू होगा। ये इधर से ये यहाँ से राम भगवान का एरिया चालू होगा ये वाला। और देख सकते हो आप कितने अच्छे वर्किंग बनी हुई, ये वाला सिस्टम पूरा देखो। सो ये इधर ये सारे पूरे देवता यहीं रहते हैं। और ये इधर से गणपत जी का एरिया चालू हो गया, यहाँ से गणेश जी का एरिया चालू हो गया, इधर गणेश जी रहते हैं। तो इंतजार है नरक लोग का, नरक लोग भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखते रहते हैं। एंड यहाँ से सारी देवी जो सज्जन है हमारी, ये ज्ञान की देवी सरस्वती का जो दरबार है वो आप देख सकते हो ये यहाँ पर है। और सामने हाँ एक मिनट आप मैं देख सकते हो ये बिल्कुल कितना अच्छा नज़ारा देखने का, आप बिल्कुल सूटना है। सो गाइस यहाँ पे ऊपर स्वर्ग लोग में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऊपर स्वर्ग लोग में, आप देख सकते हो। ये गुरुकुल धाम आ गया, गुरुकुल धाम पहुँच गया। एंड अब जिस सबका आपको इंतजार था, नर्क लोग में हमारी गाड़ी टर्न लेने वाली है, तो आज हमें कुछ भी मिस ना करें, आप खाना ना खाएं, पर आपको सब कुछ देखता रहें। सो हम चलते अंदर। सो नर्क लोग में आने वाले हमें चेकर आ गए हैं, यहाँ पे आड़े में आ गए। एंड सो इनर के लोग का गेट देख सकते हैं, आप मेरे व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से हमारी बस टर्मिनल आएगी, ये नर के लोगों का जो कहते हैं हमको मेन रथ सामने खड़ा हुआ है, और देख सकते हो वहाँ पे अब लिखा है यमदूत फैंटेसी। हम पहुँच गए हैं बंद है कैदी जितने यहाँ पे पाप में सजा काट रहे हैं। और ये यमदूत का महल आ गया सामने, जो आपको दिख रहा है यमदूत का महल आ गया। और हम यहाँ पर सर बोल रहे हैं पास स्कैन करवाने का, ये आड़े में पास स्कैन करवाओगे, ठीक है ठीक। सो अब हम आगे पहुँच चुके हैं, हाँ इधर हम यम लोग का पास स्कैन हो रहा है हमारा एंट्री। ये हमारा एंट्री का देखो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पास में अंदर जाएंगे, ये हमें टिकट मिल चुकी है अंदर जाने की। तुम्हारी टिकट भाई तुम कहाँ बीच में आ रहे हो, ये गाइस चक्कर इतने आ रहे कि समझ में गंजी पाल नहीं है तेरे को दिख ही रहे, ये तुम्हारी टकली इन दोनों के पंगे हो गए, मैं बीच में पीछा रहा हूं। बट हम लोग में लड़ाई चल रही है, सो गाइस बहुत देर हो गया, बहुत खतरनाक चिपका दी यार आप लोगों को। क्या होगा जीतू अभी चिपका दी गंजी पे यार, इधर से बाली नहीं है देखिए, इधर चिपका दी थप्पा लगा दिया। दिक्कत क्या आ रही है ये बताओ, दिक्कत ये आ रही है कि बस में मैं दूसरी बार धक्का खा चुका हूँ, इतने की सीट से मैं इतनी ऊपर तक उछल रहा हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि मैं कंप्लेन कर दूंगा घर पे जाकर, बोल दूंगा बस से नहीं जाऊँगा, बाइक से जाऊँगा, पेट्रोल चला जाऊँगा। हाँ सो गाइस मैं भी कह रहा हूँ प्लेन से नहीं आऊँगा, मैं साइकिल से आऊँगा, प्लेन से बेटर साइकिल है, पहले टाइम लगता है पर बिना धचके के बिना ब्रेक के, हाँ और उसी से आएंगे वैसे भी आएंगे। सर बिल्कुल कल मिलते हैं, कल आ जाओ टाइम पे कॉलेज। जाओ जाओ गाइस हम पहुंच गए हैं मौना का, सामने से आया था मैं रोड क्रॉस करके इसलिए व्लॉगिंग कर रहा हूं, क्योंकि चलते चलते आया था कुछ भी हो सकता था,
हर कोई भी व्लॉगिंग करता है तो रोड क्रॉस करते समय व्लॉगिंग ना करें, इससे आपकी सेहत या फिर कुछ भी हो सकती है, दुर्घटना कभी भी घट सकती है। हम माउनाका तो पहुंच गए हैं भाई, बस का वेट कर रहे हैं। अब बस कब आएगी, कब जाएंगे, कब बैठेंगे, इंतज़ार करते हैं बस का। चलो कहीं बैठने की जगह ढूंढते, बैठने का ठिकाना आई आई है। हम चले सीधे। ये हम यहाँ पे एक रिक्शा दिखा, हम यहाँ बैठ गए आके। अब जब तक बस नहीं आती हम यहीं बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे बस का। बस कब आएगी, कब जाएगी, हमें कुछ नहीं पता। देखते हैं, वेट करते हैं बस। देखता हूँ मैं बस कब तक आती है, उसके बाद में तमाशा बाय कर लिया है। बस आ रही है, चार मिनट हम बैठेंगे यहाँ पे। देखते हैं 4 मिनट में हम टाइम लैप्स वीडियो बनाते हैं, तो टाइम लैप्स वीडियो एंजॉय कीजिए आप। ओके बाय। सो फैमिली, हमारी बस आ चुकी है। अब बस हमारी आ गई है, रोड क्रॉस कर रही है, उसके बाद हम चलते हैं सीधे बस में चलते हैं। हमारा इंतज़ार समाप्त, वो रही हमारी बस। फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं घर। बस हम कुछ ही क्षण में अब हमारे बस स्टॉप पे पहुंचने वाले हैं, फिर यहाँ से उतरेंगे, फिर पैदल जाएंगे घर। बहुत झमेल है, बहुत समझ रहे, बहुत। हम उतर गए बस से, बस हमारी ये बस अब ये जा रही है साइड में, ये हमारी बस निकल गई है। अब हम जाते हैं पैदल। हमारी बस वहाँ जाकर खड़ी हो गई, अब हमको इधर टर्न लेना और यहाँ से सीधे। अब यहाँ से हम पैदल जाएंगे, पदयात्रा करते हैं। ओके, हम पहुँच गए थे, 5 बजे घर पहुँच गया था। अब कोचिंग जा रहा हूँ, दोस्तों आ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, कोचिंग जाते हैं उसके बाद। चलो बस पहुँचने वाले, दोस्तों भी खड़े हैं सामने, चलते हैं कोचिंग। ये सामने दोस्तों खड़े हैं बाइक लेकर, पता नहीं कब से वेट कर रहे थे हमारा। चले मेरे धन्नो, चले ड्राइवर साहब, बिल्कुल। आज अनुष्क नहीं आया, क्यों छुट्टी पे क्या ऐसा? पहुंच गए हम कोचिंग, अब देखे सामने सर बैठेंगे। चले अल्पेश, हंस के आ रहा है। हमारी कोचिंग ख़त्म, आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आप कुछ नहीं चलते अल्पेश? कुछ नहीं, तो हंसने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। कल मिलते हैं अपन 7 बजे ना? कल मिलते हैं इसी समय पे 7 बजे कोचिंग में, ठीक है? ओके बाय।